अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही खुशगवार सा मौसम है। मुझे कुछ चाहिए था फ्रेश हरा धनिया, तो इसलिए मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। यहाँ पे मैंने उगाई हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी छोटी सी क्यारी है, लेकिन मैंने यहाँ पे उगाई हुई है धनिया है, मूलियाँ हैं फ्रेश फ्रेश सी, पालक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी हो गई हुई है। तो मुझे जब ज़रूरत होती है फ्रेश वेजिटेबल्स की, स्पेशली धनिया की, तो फ्रेश की ज़रूरत रहती है जब हम रायता वगैरह बनाते हैं। तो मैं भी रायता बनाने जा रही हूँ नाश्ते के लिए, तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। मूलियाँ तो अभी छोटी हैं, एक मूली निकाल के देखती हूँ, कुछ अच्छी हो ही गई है। मूलियाँ भी कुछ अच्छी हो गई हैं, तो मैं यहाँ से कुछ मूलियाँ भी ले लूँगी और इंशाल्लाह मैं फिर मूली के पराठे भी बनाऊँगी और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बनाने के लिए मैं जो चटनी बनाऊँगी, चटनी पीसने के लिए मैंने धनिया लिया। अभी मैंने इस धनिया को धो लिया, ठीक है। दो मैंने इस तरह से हरी मिर्ची ली है, आधा खाने का चम्मच नमक लिया है और एक चाय का चम्मच ज़ीरा है और तीन चार साबुत काली मिर्चें हैं। मैं इनकी एक अच्छी सी हरी चटनी जो है वो पीस लूँगी। चटनी मैंने इस तरह से पीस ली है, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे सारे उनके साथ। मैंने तीन कप दही ली है, ठीक है, फ्रेश और अच्छी सी दही है। मैं इसको खूब अच्छी तरह से इससे फेंट लूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाए। मैं ऐड कर दूँगी इसमें इस तरह से ये अपनी ग्रीन चटनी, इसे हम कर लेंगे मिक्स। मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया था, उसे मैंने छीलने के बाद इस तरह से बारीक बारीक काटा और उसे बॉयल कर लिया। अब वो भी हम इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें जाएगी बारीक कटी हुई टमाटर और प्याज, ठीक है। प्याज को मैंने दो तीन पानी अच्छी तरह से धो लिया ताकि जो इसकी एक तेज़ी होती है वो ख़त्म हो जाए। और टमाटर को भी मैंने खूब अच्छी तरह से इस तरह से बारीक बारीक काटा है। इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा रायता जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब हम पराठे के साथ ये रायता जो खाएंगे बहुत मज़ा देगा। तो आप भी इसी तरह से रायता बनाएं और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।